अरे दोस्तों, इस वाक्य को एक बुजुर्ग ने बयान किया है। वो कहते हैं, मैं कब्रिस्तान जाया करता था, कब्र वालों के लिए दुआ मांगा करता था, कब्रों को देखकर उनसे नसीहत हासिल करता। मैं उन्हें देखता कि कब्र वाले खामोश है, बोलते नहीं है और ना ही अपने पड़ोसियों से मुलाकात करते हैं। फिर मैं बहुत ज़्यादा रोता और उसके बाद एक गुंबद की तरफ चला जाता जिसमें एक कब्र थी और उसके साए में सो जाता। एक मर्तबा मैं एक कब्र के पास सोया हुआ था, इतने में मैंने ख्वाब में देखा एक मुर्दा कह रहा है, हाय मेरी बर्बादी और हलाकत, अगर दुनिया वाले मुझे देख ले तो वो भी अल्लाह की नाफरमानी ना करे। वो मुर्दा ख्वाब में कहता है कि क्या है कोई मेरी फरियाद सुनने वाला या मेरे घर वालों को मेरी इस हालत की खबर देने वाला। वो बुजुर्ग फरमाते हैं, मैं जब नींद से जागा तो बहुत ज़्यादा डर गया। इसके बाद मैं घर आ गया और सारी रात उसी के बारे में सोचता रहा। जब सुबह हुई तो फिर मैं कब्रिस्तान की तरफ चल दिया। जब मैं वहाँ गया तो मैंने देखा कि कोई भी इंसान उस कब्र पर नहीं आया हुआ है। मैं थोड़ी देर वहाँ बैठा रहा, फिर मुझे नींद आने लगी और मैं सो गया। मैंने फिर ख्वाब में देखा कि मुर्दा कह रहा है, हाय मेरी बर्बादी, दुनिया में मेरे आमाल बहुत बुरे थे और मेरी उम्र बहुत लंबी थी, मुझसे अल्लाह सख्त नाराज़ है, अगर अल्लाह ने मुझ पर रहम ना किया तो मेरे लिए बर्बादी ही बर्बादी है। वो बुज़ुर्ग कहते हैं, ये ख्वाब देखकर मैं डर गया और मैं अपने घर आ गया। रात गुजरने के बाद जब सुबह हुई तो मैं फिर कब्र की तरफ चल दिया। मैंने सोचा शायद कोई कब्र की ज़ियारत के लिए आ जाए तो मैं उसके सामने सारा वाकिया बयान कर दूँ। मैं कब्रिस्तान गया लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मुझे फिर से नींद आने लगी तो मैं सो गया और मैं इस बार ख्वाब में देखा कि मुर्दे के दोनों पैर बांधे जा रहे हैं और मुर्दा कह रहा है कि दुनिया वाले मुझसे कितने बेखबर हो चुके हैं, मुझ पर आज़ाब बढ़ाया जा रहा है। बुज़ुर्ग कहते हैं, मैं ख्वाब के आलम में नींद से बेदार हुआ। मैंने घर वापस लौटने का इरादा किया। जैसे ही मैंने घर लौटने के लिए कदम बढ़ाया तो मैंने देखा कि चांद जैसी तीन लड़कियाँ आ रही है। मैं कब्र से दूर हो गया और कब्र की आड़ में छुप गया ताकि मैं उनकी बातचीत सुन सकूं। उनमें से सबसे छोटी लड़की आगे बढ़ी और कब्र के पास आकर कहा, आप पर सलामती हो ऐ अब्बा जान, आपने सुबह कैसे की, आप अपनी कब्र में कैसे हैं और आपका अपने ठिकाने में रहना कैसा है, आप हमारे पास अपनी मोहब्बत छोड़कर चले गए हैं, हमें आप पर बहुत ज़्यादा गम है और आपसे मिलने का बहुत शौक है। फिर वो लड़की बहुत ज़्यादा रोई और उसके बाद दूसरी दोनों लड़कियां आगे बढ़ी और सलाम करके कहने लगी, ये हमारे उस बाप की कब्र है जो हम पर बहुत ज़्यादा शफीक और बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले मेहरबान थे। अल्लाह पाक आपको अपनी रहमत से खुश रखे, आपको कब्र के आज़ाब और सजाओं से बचाए। ऐ अब्बा जान, हमें आपके बाद ऐसी तकलीफ़ें और गम मिले कि अगर आप उन्हें देख लेते तो आप गमगीन हो जाते। गैर मर्दों ने हमारी इज्जतों पर, हमारी इस्मतों पर हाथ डाले। अल्लाह के करम से हम बच तो गए हैं लेकिन बाप का साया हटने से हम महफूज नहीं हैं। वो बुज़ुर्ग कहते हैं कि मैं उनकी बातें सुनकर मुझे रोना आ गया। फिर मैं तेज़ी से उनके पास गया और सलाम किया और कहा, ऐ लड़कियों, बेशक बाज़ मर्तबा आमाल कबूल किए जाते हैं और बाज़ मर्तबा रद्द कर दिए जाते हैं। जब उन लड़कियों ने उन बुज़ुर्ग की बात सुनी तो बातों ही बातों में उन्होंने पूछा तो कहने लगी, ऐ अल्लाह के नेक बंदे, आपने क्या देखा। बुज़ुर्ग ने बताया, मैं तीन दिन से यहाँ बार बार आ रहा हूँ और लोहे के हथौड़े और जंजीरों की आवाज़ें सुनता हूँ। जब लड़कियों ने यह सुना तो वो कहने लगी, इससे बढ़कर भी कोई दुख, कोई मुसीबत हो सकती है क्या, हम तो अपने घर में आराम से रहते हैं जबकि हमारे बाप को कब्र में आज़ाब दिया जा रहा है। अल्लाह की कसम, हमें चैन नहीं आएगा, ना नींद और ना ही सब्र आएगा, यहाँ तक कि हम अल्लाह की बारगाह में रोएंगे, दुआ करेंगे, शायद वह हमारे बाप को आज़ाब से आज़ाद कर दे। फिर वो लड़कियाँ अपने घर चली गई। बुज़ुर्ग कहते हैं, मैं भी अपने घर चला गया और जब रात गुजरी और जब सुबह हुई तो मैं फिर कब्र की ओर चल दिया और उसी शख्स की कब्र के पास बैठ कर उसके हाल के बारे में सोचने लगा और अचानक मेरी आँख लग गई और मैं सो गया। मैंने ख्वाब में देखा कि मुर्दे को हसीनो जमील सूरत में दिखाया जा रहा है, उसके पाँव में मखमल के जूते हैं और उसके पास गुलाम हैं। बुज़ुर्ग कहते हैं,
मैंने उसको सलाम किया और कहा, अल्लाह आप पर रहम करे, आप कौन हैं? उसने जवाब दिया, मैं वही शख्स हूँ जिसके मामले को देखकर आप गमगीन हो गए थे, आप रो रहे थे। अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाए, आप अल्लाह के नेक बंदे हैं, इसीलिए आपके सामने मेरा हाल पेश किया गया। तो बुजुर्ग ने पूछा कि आपका यह हाल अचानक से कैसे बदल गया, आपको तो कब्र में आजाब हो रहा था। तो उसने कहा, जब आपने मुझे देखा और कल मेरी बेटियों को मेरे बारे में आपने बताया तो मेरी बेटियां घर में जाकर आंसू बहाने लगी, सजदे में सर रखकर सारी सारी रात रोती रही, अल्लाह से दुआ मांगती रही और मेरे लिए अल्लाह से बख्शिश की दुआ मांगने लगी। तो अल्लाह ने मेरे गुनाहों की बख्शिश फरमा दी, मुझे दिलों का चैन अता फरमा दिया और हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का पड़ोसी अता फरमाया। जब आप मेरी बेटियों से मिले तो मेरे इस हाल के बारे में उन्हें ज़रूर बताना ताकि वो उदास ना हो सके। उनको बताना कि अब मैं सुकून से हूँ और बहुत बेहतरीन माहौल में हूँ, और ये भी बता दो कि अल्लाह ने मुझे मेरी बेटियों की वजह से उनकी दुआओं से माफ़ कर दिया है और ख़ास तौर पर पड़ोसी बनाया है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जब मैं नींद से बेदार हुआ तो इस मंजर के बारे में सोचकर बहुत खुश हुआ और मैं घर चला गया। रात गुजरी और सुबह हुई तो मैं कब्रिस्तान की तरफ चल दिया। मैंने क्या देखा कि वो लड़कियां नंगे पाँव मौजूद है और उस कब्र के पास बैठी है। मैंने उनको सलाम किया और कहा, तुम्हें मुबारक हो, मैंने तुम्हारे बाप को बहुत बड़ी भलाई और बड़े अच्छे माहौल में देखा है और तुम्हारे बाप ने मुझे बताया कि अल्लाह ने तुम्हारी दुआ कबूल फरमा ली और तुम्हारी कोशिशों को रद्द नहीं किया। अल्लाह ने तुम्हारी खातिर तुम्हारे बाप को बख्श दिया, लिहाजा तुम उसकी हकदार हो कि उसका शुक्रिया अदा करो। ये सुनते ही उसकी सबसे छोटी लड़की ने दुआ शुरू कर दी, ऐ अल्लाह पाक, दिलों को खुश करने वाले, ऐबों को छुपाने वाले, हमारे गमों को दूर करने वाले, गुनाहों को बख्शने वाले, हमारे ऐबों को जानने वाले, तू मेरी हाजत को इस तरह से जानता है जिस तरह तन्हाई में मेरे गुनाह से माफ़ी मांगने को जानता है। तू मेरे इरादे, मेरी नीयत और मेरे दिल को बेहतरीन जानता है। तू ही मेरा मालिक व मौला है और मेरी पकड़ फरमाने वाली ज़ात तू ही है। मेरी मुसीबतों का हाजत रवा भी तू है, मेरी दुआओं को कबूल करने वाला भी तू है। अगर मैं किसी गुनाह के बारे में सोचूं तो अपना फजल व करम करते हुए मुझे महफूज रख और मेरी पर्दापोशी फरमा। ऐ अल्लाह, अगर तूने फजल व करम से मेरी हाजत को कबूल फरमाया और मेरे माँ बाप के गुनाहों को माफ़ फरमा दिया है तो मेरी रूह भी कब्ज़ फरमा ले। और फिर उस लड़की ने एक ज़ोरदार चीख मारी और उसका इंतकाल हो गया। दूसरी लड़की आगे बढ़ी, उसने भी बुलंद आवाज़ से पुकारा, ऐ अल्लाह, आग के अजाब से सबको दूर करने वाले, मेरी मुसीबत भी दूर कर दे। तूने मेरी दुआओं को कबूल फरमा दिया है, मेरी हाजत पूरी कर दी है, मेरे दिल को जिक्र से आबाद कर दिया है, मुझे भी मेरी बहन से मिला दे। उसने भी एक ज़ोरदार चीख मारी और उसका भी इंतकाल हो गया। फिर तीसरी लड़की भी यही कलिमात को दोहराते हुए चीख मारी और इंतकाल कर गई। प्यारे दोस्तों, बेटियाँ अल्लाह पाक की रहमत होती है, बेटियों की दुआएं कबूल होती है अपने माँ बाप के हक में, और माँ बाप की दुआएं अपने औलाद के हक में अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए और कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।